आदाब, मैं ताबिश कमाल। आप हमारे न्यूज़ चैनल के ऑफिशियली सोशल मीडिया पेज पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। शहर के अंदर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और उसकी वजह यह है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। हर चीज़ का ठीकरा हम सरकार के ऊपर फोड़ देते हैं, हम बताते हैं कि सरकार ने काम नहीं किया है। यूपी के अंदर बहुत तेज़ी के साथ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और उसकी वजह यह है कि लापरवाही हम लोग खुद कर रहे हैं। सरकारें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को समझाया जा सके कि आप लोग बिना मास्क बिना सैनिटाइज़र के ना निकले, एक दूरी मेंटेन करके रखें। लेकिन क्या वजह है, तब तस्वीरें हम अब आपको दिखाएंगे। तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर लोग शायद ज़िम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं और यही वजह है कि केसेस में इजाफा लगातार हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो मुरादाबाद शहर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर अगर तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो बिना मास्क के लोग आपको चारों तरफ दिखाई देंगे। और उसकी वजह यह भी है कि शायद एक गरीब तबका जिस पर मास्क नहीं है, शायद एक ऐसे लोग जिनको सरकार की तरफ से मास्क नहीं मिले हैं और उनके पास अपनी मास्क खरीदने के लिए पैसे भी नहीं होंगे, अगर उनसे चर्चा की जाएगी। लेकिन यहाँ पर लगातार बढ़ रहे केसेस को लेकर के प्रशासन मुस्तैद नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास बैठ जाऊँ मैं दो मिनट के लिए। मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि मास्क लोग क्यों नहीं लगा रहे? आप लोग बहुत सारे लोग हैं, मास्क क्यों नहीं लगा रहे? मास्क है मेरे पास नहीं, मास्क तो है लेकिन लगा क्यों नहीं रहे? क्या पानी पिया था? नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग जो बैठे हुए हैं ये बिना मास्क के, क्यों मतलब मास्क लगाने में कोई समस्या है या नहीं मिल रहा आप लोगों को? गरीबी की वजह से आप खरीद नहीं पा रहे हैं? मिलता है, रोज बांटने भी आते हैं। बांटने आते हैं? हाँ, लोग जो बांटने आते हैं वो दे देते हैं। तो फिर मास्क लगाने में कोई समस्या है? नहीं, हमें तो कोई समस्या नहीं। नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया, जो जानते ही नहीं जिनका मतलब क्या है, कंगले हैं, अंगले कंगले बैठे हैं। ऐसा तो लगता है ना कि लोग अभी समझ नहीं रहे। हमें तो आज 3 दिन हो गए, रोटी हम पे रखी है, हम पे सब्जी के लिए भी पैसे नहीं है। 10-15 रुपये जो हम सब्जी लाते रोटी खा लेते हैं, ये मुसलमानी रोटी बनती है वहाँ, हम ना रोटी लाते हैं ना सब्जी लाते हैं ना वहाँ की कुछ लाते हैं, बनिए भाई हैं। नहीं, ये तो हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं कर रहा मैं, आप मुसलमान होटल से लीजिए मत लीजिए, ये सवाल नहीं। सवाल तो ये है कि मास्क आखिर क्यों नहीं लगाते? नहीं, हम तो लगाते हैं। अभी आपने मेरे कहने के बाद लगाया मास्क? नहीं, हमारी जेब में तो और भी है। अच्छा, मैं डेली लगा दूँ, पानी पिया है इसलिए उतारा है। चलिए खाने की बात नहीं कर रहा, आप हिंदू होटल से लीजिए मुसलमान होटल से लीजिए, मुझे इस चीज़ से मकसद नहीं है। सवाल ये है, अभी आपने भी मास्क लगाया है, मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं आप लोग? हाँ, ये खाना लगाने लगी थी धूप की वजह से, तो मैंने थोड़ा गर्मी, एक तो त्रिपाल नहीं बन रही। अच्छा, मैं एक बात कहूँ आपसे, मास्क आपको नहीं लगता कि मास्क की वजह से आप लोगों को बहुत समस्या आ जाएगी अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो? ये तो है, परेशानी तो आ ही जाएगी, वो तो हमें ही आएगी ना। इधर आएंगे आप एक मिनट? हाँ, बिल्कुल आ जाऊंगा। चलिए, ये बताइए आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क नहीं है? मास्क तो जब है तो लगाया क्यों नहीं? दम घोट है, इसकी तनी टूट गई। और भगवान ना करे अगर आपको कोरोना जैसी बीमारी हो गई तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे तो मैं ही होऊंगा, और कौन होगा? आपको तो जाओगे ना, तो पहले से ही बचाव क्यों नहीं कर रहा है? अब जो इसकी नवाज टूट गई है, पहले से बचाव क्यों नहीं कर रहा है? टूट गई, लग नहीं रहा। नहीं, हम लोग हर चीज को कह देते हैं कि सरकार जिम्मेदार है, हमारे पास तो मास्क है तो हम खुद जिम्मेदार नहीं है क्या? क्या मोदी जी या योगी जी हमें मास्क देने आए जब हम मास्क लगाएंगे? अपनी सेफ अपना आप ही होगी, अपनी सुरक्षा अपने आप होगी, लेकिन हम लोग समझ नहीं रहे हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो साइकिल पर एक सज्जन आ रहे हैं, ऑटो रिक्शा वाले मास्क नहीं लगाए हुए हैं, ये देखिए ऑटो में। एक मिनट इधर आइए, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? ये सर मास्क नहीं है, हम तो लगा लेंगे। मास्क नहीं है आप पे? क्यों नहीं है मास्क? क्या आपने खरीदा नहीं? क्योंकि अब तो 3-4-5 रुपये का मास्क मिल रहा है। लिया नहीं है सर, ले लेंगे। क्या 3-4-5 रुपये नहीं है आप पे? जी सर नहीं, नहीं है पैसे, 5 रुपये नहीं है मास्क लेने के लिए, 5 रुपये नहीं है सर, मास्क लेने के लिए 5 रुपये नहीं है, तो इसलिए आपने मास्क नहीं लिया? ले लेंगे सर। चलिए, मास्क लेने के लिए 5 रुपये नहीं थे इसलिए उन्होंने मास्क नहीं लिया। हालांकि साइकिल पर जा रहे हो आप, ठीक ठाक लग रहे हो, लेकिन 5 रुपये मास्क लेने के लिए नहीं है। ये कह रहे हैं कि इनके पास 5 रुपये, अब आजकल यूज एंड थ्रो मास्क 5-5 रुपये का आ रहा है, और हर चौक चौराहे पर लोग आपको मास्क बांटते हुए नज़र आएंगे। हालांकि ये कैंपेन चलाई गई, मास्क बांटे गए, लेकिन अगर तस्वीरें आप देख रहे हैं तो बिना मास्क वाले लोगों की जो संख्या है उसमें अच्छा खासा इजाफा है। और यही वजह है कि हम कोरोना को हराने में नाकाम साबित हो रहे हैं। जिस देश से कोरोना शुरू हुआ था उस देश में कोरोना ख़त्म हो चुका है, उसकी वजह यह है कि वहाँ पर पूरी सख्ती के साथ लोगों ने नियमों का पालन किया। आप
मास्क आपने नीचे किया हुआ है, क्यों? ये खिसक जाता है नीचे। जिम्मेदारी हम लोग कब समझेंगे? ये देखिए ऐसे टाइट रहेगा तो जैसे इसको हम लगाते कब जिम्मेदारी समझेंगे? हम जिम्मेदारी समझ रहे हैं। अब देखिए हमें देख देख करके सब मास्क लगा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि मास्क लगाना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे, हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी आखिर कब समझेंगे, कब हमें ऐसा लगेगा कि हर काम, क्या हर काम सरकार के ऊपर थोपना ठीक है कि सरकार आएगी मास्क देगी? आपको लगता है ऐसा या हमारी जिम्मेदारी है? नहीं नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है सर, ये तो इसमें हमारी जिम्मेदारी है ना। तो फिर देखिए आप देखिए कितने लोग बिना मास्क के जा रहे हैं, आपको नहीं लगता गलत कर रहे हैं लोग? गलत है बिल्कुल, और क्या सही बात है। अगर इनसे रोक करके पूछो तो ये लोग लड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। बिल्कुल सही, लड़ रहे हैं। अगर मैंने रोक कर एक दो से पूछा तो लड़ रहे हैं क्या? इसमें तो इन्हीं की भलाई है, इनकी भलाई ना, लेकिन ये समझ नहीं रहे। आप कितने लोग बिना मास्क हैं वो देखिए, चाचा सिगरेट ही पीता आ रहा है। देखिए ये देखिए, ऐसा नहीं, ये देखिए सिगरेट बीड़ी पी करके चाचा मास्क नीचे करके आ रहे हैं, ये देखिएगा। और ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको तमाम कानून ताक पर रखकर तमाम शहर के अंदर ऐसे लोग दिखाई देंगे। और लगातार हम एक बात बार बार कह रहे हैं कि ये हमारी अपनी जिम्मेदारी, हिंदुस्तान हमारा अपना, हमारा मुल्क है, हमें अपने मुल्क से कोरोना को भगाना है। तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो जो टू व्हीलर वाले हैं वो इसलिए मास्क लगाए हैं क्योंकि पीछे पुलिस ज़्यादा सख्ती के साथ इनको मास्क लगाने के लिए खड़ी है, लेकिन फोर व्हीलर में बैठे हुए लोग, तीन या चार या पाँच तक भी लोग बैठे हैं, वो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। ऑटो रिक्शा वाले बिना मास्क के जा रहे हैं। हद ये है कि अभी ये गाड़ी जा रही है पुलिस की, और देखिए पुलिस के दोनों जवान बिना मास्क के बैठे थे। अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए रिक्शा वाले, तमाम लोग बिना मास्क के। और ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम जिम्मेदारी को समझें, लेकिन हम बिना जिम्मेदारी के, बिना मास्क के इसी तरह से सड़कों पर हैं, जो कहीं ना कहीं गलत है। बहरहाल तस्वीरें हमने आपको दिखा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां पर किस तरह से लोग लापरवाही से निकल रहे हैं घरों से, जबकि यहां पर केसेस की संख्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है और एक भी नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सहयोगी तश्कील के साथ ताबिश कमाल, यूपी।